डिफेंस के लोन ना जी 0049 भाई साहब मैं क्या बताऊं यार, लाइफ में भाई पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। गया सब कुछ लुट चनिए तेरे बिना भी को। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी भाई, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से। अब भाई देख सकते हो दाढ़ी वाली कैसी बड़ी बड़ी, चेहरे का रूप कैसा हुआ पड़ा है, क्योंकि भाई तबीयत हो रही थी बहुत दिनों से खराब। तो वैसे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ब्लॉग बना पाऊँ। अब थोड़ी बहुत तबीयत में आराम है मेरी, मतलब भाई पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना मेरी बॉडी में दर्द हो रहा था। तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि भाई मैं उठूँ ब्लॉग बनाऊँ, ठीक है, कुछ भी ऐसा काम करूँ जिसके अंदर यार ज़्यादा गर्दन मूवमेंट हो। तो कुछ भी ऐसा काम नहीं करना पड़ता था, तो लेटे रहते थे। और कीर्ति की तबीयत खराब हो रही थी, देखो कीर्ति अभी भी लेटी हुई है। कीर्ति और मेरी दोनों की तबीयत खराब हो रही थी। अब भाई ब्लॉग बनाए तो बनाए कैसे, ठीक है ना। मुझे पता है कि मैं 365 डेली ब्लॉग का चैलेंज लेता, पर भाई किस्मत ने नहीं चाहा। मैंने तो चाहा था कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगा, अब किस्मत ने नहीं चाहा तो उसमें मेरी गलती थोड़ी। बाकी अब तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है, अब डेली ब्लॉग आएंगे मजेदार वाले। और बहुत दिन होगा टाइगर की शक्ल भी नहीं देखी आपने। अरे मेरी जान उड़ी ना, जान है तो जहान है वरना कुछ नहीं है। बाकी मम्मी बना रही हैं आज सैंडविच। हेलो कर दो मम्मी। हेलो कहे भाई, आप लोग ये मत समझना कि मैंने यूट्यूब छोड़ दिया। भाई यूट्यूब तो मैं कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यूट्यूब मेरी जान है, मेरा जहान है, मेरा बच्चा है, मुन्ना है मुन्ना, ठीक है, यूट्यूब मुन्ना है मुन्ना। तो भाई यूट्यूब तो बिल्कुल नहीं छूट सकता। हाँ भाई ये थी तबीयत खराब है तुम्हारे भाई की। गाइस आप लोगों की मम्मी भी करती है ऐसे, बताओ ये नहीं करती। देखो हमारी मम्मी तो करती है। कल रात को ना आलू गोभी की सब्जी बच गई थी, तो मम्मी ने ब्रेड मंगवा के ना सैंडविच बना दी। देखो भाई आप लोगों की मम्मी करते तो भाई कमेंट करके मेरे को जरूर बताना एक बार, ठीक है। ये सब करते हैं भाई, इंडियन मम्मी हर करती है, मैं सारी हिंदुस्तानी माए करती है भाई, ऐसा मुझे पता है। बाकी गाइस बहुत दिन से आपने कीर्ति की खूबसूरती नहीं देखी होगी, तो आप देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही बीमारी में भी। बस एक मैं ही हूँ जो बीमारी में सुंदर नहीं लग रहा हूँ। देखो भाई ये होते हैं इंडियन मम्मी की कलाकारी, आलू की सब्जी का क्या बढ़िया सैंडविच बनाया, देख रहे हो ना। चलो भाई ब्रेकफास्ट हो चुका रेडी, करते हैं मस्त अपना ब्रेकफास्ट। चलो भाई चलते हैं राइड पे, बहुत दिन हो गया राइड पे भी नहीं गया मैं, तो आज चलते हैं राइड पे। चलो भाई दरियागंज में तो भाई एक भी दुकान नहीं खुली हुई है, सारी की सारी दुकानें बंद है देखो, है ना, और रास्ते भी बंद कर रखे, देख रहे हो ना भाई। है मेन रोड खुले में, बाकी सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, सारी दुकानें बंद कर रखी हैं, फुल एकदम टाइट सिक्योरिटी है, फुल एकदम टाइट। तो ये खड़ी भाई अपनी गाड़ी, भाई कितने दिनों बाद देख रहा हूँ यार अपनी गाड़ी को मैं। देखते हैं भाई इतने दिनों बाद राइड पे निकले हैं, कैसा काम होता है कैसा नहीं, लेट्स गो। तो भाई ये स्टीकर भी खराब हो चुका है, इस स्टीकर को भी ठीक करवाएंगे, पूरा फट चुका है देखना, तो उसको भी ठीक करवाएंगे। अंधेरा हो चुका है और अब जाके मेरे को राइड मिली है, वो भी रैपिडो से, मतलब भाई ऑल ओवर से तो राइड आ ही नहीं रही है बिल्कुल भी। काम तो आता है भाई ये स्टीकर, ऐसी बात नहीं, जो भी बैठता है ना नोटिस कर लेता है। और आप जैसे भाई हो प्यारे सपोर्ट करने वाले तो कर ही देते हैं। घुमाओ यार कभी कश्मीर, पर अपने पैसों से। मजा आ गया, हम आएंगे यार, ऐसी बात नहीं है, आप हमारे साथ एंजॉय करना। रोना मत भाई, जिसके भी दिल टूटा हुआ सैड सॉन्ग लगा दे, ठीक है, आपके लिए। एक भाई का दिल टूटा हुआ है, कह रहे सैड सॉन्ग लगाओ मैं, ठीक है। चलो भाई इनको तो ड्रॉप कर दिया मालवीय नगर। बाकी भाई गाड़ी के अंदर है ना पूरा सैड वाला माहौल बना पड़ा था, मतलब एक भाई का ब्रेकअप हो गया था, तो कह रहा भाई सैड गाने चला, तो सारे ऐसे ऐसे सैड सॉन्ग चलाए ना मैंने, कह रहा भाई मजा आ गया आपके गाने सुनने के, मतलब मेरे साथ गाने गुनगुना रहे हैं। तो भाई अभी ये पेट शॉप दिख गई थी, यहाँ से मेरे को टाइगर के लिए लीश लेनी है। भाई टाइगर की लीश हम आई भूल गए थे मेरठ में, जब मासी के घर गए थे। चलो भाई लीश तो ले ली टाइगर के लिए, सही है यार बेचारा घूम नहीं पा रहा बिना लीश के। भाई अभी गाड़ी में से निकल चुका हूँ, गाड़ी चला रहे बड़े भैया और सामने खड़ी हुई है पारुल जी। साकेत मेट्रो स्टेशन वगैरह फुट ओवर ब्रिज उसके बिल्कुल सामने ही। अब भाई बड़े भैया और पारुल जी ये आए थे शॉपिंग करने के लिए, साकेत हम आए थे मालवीय नगर राइड लेके। तो मैंने पूछा कहाँ है, तो ये खाते थे रोल। मैंने कहा भाई अकेले अकेले खाओगे तो हम भी रोल खाने के लिए है ना। ओ भाई साहब इनका तो भाई साइज भी बहुत बड़ा यार रोल का, देखना भाई साहब 90 रुपए का, सही है यार। फुल टाबर तोड़ भाई, मैंने तो एक रोल खा लिया, सोचता हूँ पेट भर गया, पर इनसे तो वो भी नहीं खाया जा रहा, पर क्या करें वेस्ट जाएगा तो इसलिए खाना पड़ेगा ना, है ना। आधे खाया देखो उन्होंने खाई। चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर रोल। थैंक यू बोलने की वो नहीं है, मान तो बोलते हैं बाय। चलो भाई ये लोग तो गए और अपन रोल खाते खाते ढूंढते हैं राइड को। ओटीपी दे रहा हूँ डिफेंस के लोन ना जी 0049 0049
भाई साहब मैं क्या बताऊं यार, लाइफ में भाई पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है भाई, लिटरली भाई मतलब मेरी ना सांसें रुक गई थी भाई, सच बता रहा हूँ मैं इस टाइम पे यार। और भाई सच बता रहा हूँ, इन्होंने कहा आपके हाथ गर्म है, मैंने हाँ जी मेरा हाथ गर्म है, कह रहे मत मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दो ताकि मेरा हाथ गर्म हो जाए। मैंने भाई साहब जब इनकी कॉल, जब मैंने इनकी राइड पिकअप करी थी ना तब इनकी कॉल आई, कह रही जल्दी आ जाओ मेरे को है ना ठंड लग रही है। मैंने ठंड लग रही है, जैसे भाई आके बैठे इन्होंने सीधे छूट दिया, मेरे को देख के क्या बोला, ओ माय गॉड मैं क्या ही बताऊं। ओ भाई कह रहे अच्छा तुम्हारा नाम प्रफुल है, मैंने हाँ जी, कह रहा अगर तुम्हारे नाम में से आर और एफ हटा दूं ना मैं तो तुम्हारा नाम मुझसे जुड़ जाएगा पॉल। मैंने है, मैंने भाई कौन सा नाम किससे जोड़ने की बात कर रहा है भाई, मैंने ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ना। मैंने भाई साहब बस ये जल्दी से राइड कंप्लीट हो, 15 मिनट की राइड तुम्हारे भाई ने 7.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करी, यकीन नहीं मानोगे भाई आप लोग। मैंने रेड लाइट जंप करो सब कुछ करो, मैंने भाई इससे पहले कुछ मेरे साथ हो, इससे पहले भाई साहब जल्दी से भाई साहब ये राइड को है ना कंप्लीट करो। और भाई गलती से ना लगान लग गया, तू ही मेरी मंजिल, तू ही चाहत में है शामिल, तो कह रहे डिफेंस कॉलोनी के पूरे चक्कर लगाओ, हमें तुम्हारे साथ अलग गाना सुनना। मैंने है, मैंने ये गाना सुनना, मैंने मेरी सीएनजी खत्म हो गई, मैंने देखो बिल्कुल भी सीएनजी नहीं है, मैंने पहले मैं सीएनजी भरवाने के लिए आऊंगा। अब भाई बहुत से लोग ना ये चीज भी बोलेंगे कि भाई तुम्हारे साथ अगर ऐसे लोग बैठ गए हैं तो भाई तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो, भाई देखो मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, पर भाई देखो जो चीज मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुई है तो भाई मेरे को तो अजीब लगेगी ही लगेगी। और पर फिर भाई यार देखो एक ना सेंस भी नहीं बनता भाई, एक लड़का दूसरे लड़के से ऐसी बातें कर रहा फ्लैट वाली, भाई साहब बीच रोड पे रख दी बियर की बोतल तो। चलो भाई हम तो पहुंच गए घर, टाइम हो चुका 11:30, हम घर चल के अपना व्लॉग एडिट करते हैं, लेट्स गो। अबे गाड़ी बंद नहीं हुई ऐसे कैसे, हाँ अब हुई ना। चलो चलो भाई घर आ चुके हैं, टावर तेरी लीश लिया मैं, ये इतना सा पट्टा सिर्फ और सिर्फ कितने का पता है देखो, 420 रुपए का। तो गाइस मम्मी को मैं वही वाली स्टोरी बता रहा हूँ जो आज मेरे साथ सीन हुआ था ना, मैं गाली बहुत लेके गया अच्छी तरह से, डिफेंस कॉलोनी आई, अब गलती से ना गाना तो कौन सा प्ले हो गया अपने आप ही, मैंने तो चला रखा था प्लेलिस्ट ऑल प्ले कर रखा था तो उसमें वाला गाना बज गया, कौन सा था, तू ही मेरी मंजिल तू ही चाहत में है, अब हमें ये पूरा गाना सुनना वो भी आपके साथ। मैंने मेरी सीएनजी खत्म हो गई, मैंने सीएनजी है ही नहीं, कह पेट्रोल पे तो होगा, मैंने पेट्रोल भी नहीं, मैंने देखो बिल्कुल फिलिंग होगा, मैंने गाड़ी में बैठते ओटी में मांगा, ओ माई गॉड ओ एम जी। देखो गाइस मम्मी चाहती है मेरे साथ कुछ हो जाता, मम्मी चाहती है मेरे साथ कुछ हो जाता, मम्मी काम है तो उसका मतलब थोड़ी यार सेफ्टी बिल्कुल ही छोड़ देंगे हम अपनी, जस्ट इमेजिन 3 में से 1 का हाथ यूं करके आता और 1 का हाथ यूं करके आता, मैं क्या करता, आगे कोई ना बैठा, आगे ही बैठा था, अरे 1 का हाथ यूं करके आता मैं ये करता बताओ, मतलब भाई साहब एक किड निभाना मैं लोंडा देख के लाइन देने लग गए। बाकी चलो भाई अब चलते हैं अपन सोने के लिए, क्योंकि कल सुबह उठ के आपको दिखानी है 26 जनवरी की परेड, ठीक है ना। चलो भाई करते इस व्लॉग का यहीं पर एंड, होप करता हूँ कि आपको ये व्लॉग इतने दिनों बाद जो मैंने बनाया वो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल पे नए चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर, बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।